हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, खमागणी, जयपुर। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विनायक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। दोस्तों, मैं आपको आपका सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज मैं यहां अंसल सुशांत सिटी के अंदर एक टाउनशिप है ओके प्लस की, उसके अंदर आया हुआ हूं। और यहां पर अभी आप देख सकते हैं ये सारे डुप्लेक्स है, तो आज मैं इन्हीं का विजिट कराऊंगा। जेडीए अप्रूव्ड के अंदर मात्र 26 लाख रुपए के अंदर ये मकान है, तो पूरी डिटेल मिलेगी, बने रहे वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि बिना बेल आइकॉन प्रेस किए आपको नए नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। तो अभी बिना देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। आप देख सकते हो ये जो मकान दिखाई दे रहे हैं आपको, अगर मेजरमेंट की बात करें तो 18x36 इसका मेजरमेंट है। और अगर डिस्टेंस वाइज अगर मैं बात करूं तो रेलवे स्टेशन जयपुर जंक्शन से इसका डिस्टेंस मात्र 16 किलोमीटर डिस्टेंस है। वहीं पे अगर 200 फीट बाईपास अजमेर दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे से बात करूं तो 8 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। वहीं पे अगर हम कालवर रोड मेन कालवर रोड से डिस्टेंस बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर डिस्टेंस है। वहीं पे अगर परी चौक की बात करूं, यहां अंसल सुशांत सिटी में जो परी चौक है वहां से हार्डली 800 मीटर डिस्टेंस पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं जो जेडीए अप्रूव्ड में हो, 90% लोनेबल हो और लो बजट में हो, तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए बेहतरीन रहेगी। तो बिना देरी के अभी चलते हैं हम। आप देख सकते हैं ये सामने ये रैंप है और इस रैंप के साथ में आप देख सकते हैं आयरन के गेट है जो की बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के लगाए हुए हैं। इसके साथ में जैसे हमने एंटर किया तो आप देख सकते हैं ये है पार्किंग। पार्किंग के अंदर ये वाटर टैंक है जो कि 5000 लीटर कैपेसिटी का है। उसी के साथ में आप देख सकते हो यहाँ पर मोटर का प्रोविजन दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको मीटर बॉक्स लगाया जाएगा। इसी के साथ में आप देख सकते हो ये है फ्रंट साइड का बेडरूम और इसके सामने बालकनी दी हुई है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं ये है 72 वर्ग गज का जो कि डुप्लेक्स है। और इसके अंदर अगर फेसिंग की बात करें तो ईस्ट फेसिंग का मकान है ये, और बाहर से इसका जीना दिया हुआ है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं जैसे ही हमने ये आप देख सकते हो डबल पल्ले का ये मकान, डबल पल्ले का गेट दिया हुआ है। और इस गेट के अंदर जैसे ही हमने एंटर किया आप देख सकते हैं ऊपर फॉल सीलिंग दी हुई है और एक वॉल में रॉयल प्लेट की डिजाइन है। वहीं पे आप ये देख सकते हैं एक शोकेस दिया हुआ है और यहाँ पर एक विंडो दी हुई है वेंटिलेशन के लिए। इसी के अंदर हॉल के अंदर आप देख सकते हैं ये वॉश बेसिन दिया हुआ है। और अगर बात करें हम इस हॉल के मेजरमेंट की तो 11x11 की साइज का ये हॉल है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं ये किचन, मॉड्यूलर किचन है, पूरा फर्नीचर वगैरह सब लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं बॉक्सेज वगैरह दोनों दो बॉक्स लगाए हैं ऊपर। और यहीं पे आप देख सकते हैं ट्रॉली वगैरह सब लेड है और सैनिटरी वगैरह सब लगाई हुई है, मिक्सर वगैरह है। इसके साथ में आरओ एंड गीजर के पॉइंट्स दिए हुए हैं। और यहाँ वेंटिलेशन के लिए आपको जो ये ग्लास है इसके अंदर एग्जस्ट के लिए प्रोविजन दिया हुआ है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं ये है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के अंदर आप देख सकते हैं ये 11x11 साइज का मास्टर बेडरूम है और एक वॉल पे रॉयल प्ले में डिजाइन दी गई है। एसी फिटिंग है, आप देख सकते हैं एसी फिटिंग है और रॉयल प्ले में डिजाइन दी गई है, फॉल सीलिंग की भी है। और इस साइड आप देख सकते हैं पूरा एक बड़ा सा एक वार्डरोब दिया हुआ है जो कि आपके सामान को रखने के लिए काफी होगा। वहीं पे अटैच्ड बाथरूम आप देख सकते हैं, ये है वेस्टर्न टॉयलेट जो कि अटैच है, बहुत ही बढ़िया शानदार। इसके अंदर वॉश बेसिन दिया हुआ है और ये आप देख सकते हैं मिक्सर वगैरह सब लगाए हुए हैं, शावर लगाया हुआ है और वन पीस सिंगल पीस ये सीट लगाई हुई है और वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं अटैच टू गैलरी है, ये आप देख सकते हैं ये गैलरी दी हुई है जो कि वेंटिलेशन के अंदर दी हुई है। काफी स्पेस है, काफी स्पेसियस है, 4 फुट चौड़ी एक बालकनी है जो कि आप वॉश एरिया का यूज किया जा सकता है इसको। यहाँ टैप भी दिया हुआ है और यहाँ ये आप देख सकते हैं किचन की विंडो है वेंटिलेशन के लिए।
या आप देख सकते हैं ये है फ्रंट साइड का बेडरूम और ऊपर आप देख सकते हो फॉल सीलिंग दी हुई है। रॉयल प्ले में एक वॉल पे डिजाइन दी हुई है और ये आप देख सकते हैं वार्डरोब जो फिटेड है, वार्डरोब है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं ये किचन दी हुई है जो कि वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है। और मेजरमेंट की अगर बात करें तो ये इस रूम की साइज है 11x11 और ये आप देख सकते हैं ऊपर। और इसी के साथ में आप देख सकते हैं फ्रंट साइड के अंदर से भी एंट्री है यहाँ से भी, और इसके अंदर आसपास के सामने की लोकेशन देख सकते हैं, सारे मकान देख सकते हैं, बेहतरीन बहुत ही बढ़िया शानदार सोसाइटी है। ये था ग्राउंड फ्लोर और अभी मैं लेकर चलता हूँ आपको ऊपर। ये है सेमी डुप्लेक्स जो कि 72 वर्ग गज के अंदर है। दोस्तों ये था 72 वर्ग गज का मकान जो कि 18x36 साइज है और JDA अप्रूव्ड है, 90% लोनेबल है, बहुत ही कम लो बजट का, मात्र 26 लाख का। बहुत से कमेंट करते हैं कि हमारे को लो बजट की प्रॉपर्टी दिखाओ, तो JDA अप्रूव्ड 90% लोनेबल मात्र 26 लाख रुपए का ये डुप्लेक्स है जो कि सेमी डुप्लेक्स है। और नीचे का मैंने आपको विजिट कराया, अभी लेकर चलता हूँ ऊपर का। तो अगर आपको इंटरेस्टेड है और अगर आपको प्रॉपर्टी पसंद है तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप साइट विजिट के लिए आ सकते हैं। तो अभी चलते हैं हम ऊपर। ये देख सकते हैं आप स्टील की रेलिंग है, ग्रेनाइट का जीना है और ऊपर आप देख सकते हैं ऊपर आपको वेंटिलेशन के लिए एक 3 मिनट दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं अभी हम छत पर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं ये सारे विलाज जो बने हुए हैं ये अंसल सुशांत सिटी के हैं जो कि HX ब्लॉक है। और इसी के साथ में आप पीछे सारे मकान देख सकते हैं, काफी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और वहीं पे आप देख सकते हैं ऊपर बेडरूम और एक बाथरूम है। ये बाथरूम जो नीचे बाथरूम था इंडियन टॉयलेट, वही टॉयलेट है। उसी के साथ में आप देख सकते हैं ये फ्रंट साइड जो बेडरूम था ऊपर, उसी बेडरूम पे है। ऊपर देख सकते हैं फॉल सीलिंग की हुई है, रॉयल प्ले डिजाइन है एक वॉल पे और एक ये फुल वार्डरोब दिया हुआ है। और सामने की तरफ आप देख सकते हैं विंडो है जो कि वेंटिलेशन के लिए दी हुई है। इसी के साथ में ये बालकनी है और ये आप देख सकते हैं बेहतरीन बहुत ही बढ़िया शानदार बालकनी, 4 फीट चौड़ी एक बालकनी है जो कि 18x4 की साइज का बेहतरीन बहुत ही शानदार आपको बालकनी मिल रही है। ऊपर आप देख सकते हैं वुडन कलर में आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग जो कि इसकी सुंदरता को 4 चांद लगाता है। वहीं पे आप देख सकते हैं ये स्टील की रेलिंग है और इसके अंदर मिरर वर्क किया हुआ है। उसी के साथ में आप देख सकते हैं लास्ट के अंदर एक जो स्टोन के अंदर जाली दी हुई है जो बेहतरीन बहुत ही शानदार और एक नया यूनिक लुक देती है। तो दोस्तों ये था हमारा 18x36 का 72 वर्ग गज का मकान जो कि JDA अप्रूव्ड में लो बजट का था। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।